भाजपा की ओर से मनपा के नए सत्ता पक्ष के रूप में अविनाश ठाकरे की नियुक्ति होते ही शहर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है आज मनपा कार्यालय में उनको शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ता तथा शहर के लोग दिखाई दिए इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मेरे इन्होंने सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे इनसे बातचीत की आइए देखते हैं शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधा देने का काम नागपुर महानगर पालिका करती है मनपा को चलाने प्रशासन और पदाधिकारी कामकाज करते हैं। शहर के सभी कामकाज सुचारू ढंग से चले इसके लिए कई कामकाज तो जरूर किए जाते हैं लेकिन मनपा प्रशासन और पार्टी पदाधिकारी इनमें कई मुद्दों पर मतभेद जरूर उभर कर आते हैं इसमें शहर की जनता को नुकसान उठाना पड़ता है कभी प्रशासन के अधिकारी किसी मुद्दे को लेकर अड़िंग रहते हैं तो कभी पदाधिकारी प्रशासन के बातों को असहमति दर्शाते हैं प्रशासन और पदाधिकारी इनमें सही तालमेल और अच्छी सहयोग की भावना हो यही बात शहर की जनता चाहती है मनपा में इस बार सत्ता पक्ष के नेता के रूप में भाजपा के अनुभवी नेता अविनाश ठाकरे इन्हें बागडोर दी है अविनाश ठाकरे इन्होंने सत्ता पक्ष नेता की बागडोर संभालते ही उनको शुभकामनाएं देने के लिए शहर के नागरिक और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे हर कोई अपने इस लाडले नेता अविनाश ठाकरे इन्हें तुलसी का पौधा और फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें शुभेच्छा दे रहा था इस मौके पर पेड़ा खिलाकर सबका मुंह मीठा किया गया पदभार संभालते ही मनपा के नए सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे इन्होंने हमारे संवाददाता संजय मीरे इनसे बातचीत की है आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में कई फेरबदल हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष नेता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कामकाज होता है ऐसे में एक तजुर्बेगार ऐसे एक कार्यकर्ता को सत्ता पक्ष नेता की न्यूज सौंपी गई है पूरे अधिकार दिए गए ऐसे अविनाश ठाकरे इस समय में हमारे साथ में मौजूद है आइए उनसे जानना चाहेंगे अविनाश जी ये बताएं कि जिस तरह से आज सत्ता पक्ष नेता के ऊपर आपके ऊपर नाम के ऊपर में मुहर लगी है क्या भविष्य में कामकाज रहने वाले आपके नागपुर महानगर पालिका में जो पिछले डेढ़ साल से राज्य शासन के दबाव में आकर प्रशासन जिस तरीके से विकास कामों को रोक रहा है पहले तो उन विकास कामों को गति मिले इसलिए हमारा प्रयास रहने वाला है सभी नगर सेवकों के साथ में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम संघर्ष की भूमिका भी, भी जाने वाले हैं और इस शहर की जनता को अच्छी अच्छी सुविधा मिले इसके लिए हमारा प्रयास चलने वाला है जल्दी हमारे सभी पदाधिकारियों से चर्च कर चर्चा करके हमारे स्थायी समिति अध्यक्ष अर्थसंकल्प भी सादर करेंगे और लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए जो रोज़मर्रा के उनके बस्तियों में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस प्रशासन की प्रशासन ने जो हमारे ऊपर लॉकडाउन इम्पोज़ किया है कि विकास कामों के ऊपर लॉकडाउन इम्पोज़ किया है उसको लेकर हम लोग संघर्षशील रहेंगे और लोगों को सुविधाएं पहुंचाएंगे अविनाश जी मेरा दूसरा सवाल ये था कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों का तो आ, लोगों के जो नगर सेवक है उनके भी कामकाज नहीं हो रहे चाहे विरोधक के उनके भी कामकाज नहीं हो रहे आप एक सत्ता पक्ष के नेता हो तो क्या विरोधियों को भी साथ में लेके काम करना चाहोगे नागपुर महानगर पालिका का जो पिछले साल पिछले अनेक वर्षों से काम करने की जो काम करने का जो तरीका है हम सबको साथ लेकर चलते हैं नगर सेवक चाहे कोई भी पार्टी का हो वो जनता का होता है और हर नगर सेवक जनता में काम करने के लिए कोशिश करता है इसलिए सत्ता पक्ष विपक्ष ऐसा कोई भेदभाव हमारे मन में नहीं है जो जो नगर सेवक हमसे काम की उम्मीद करेंगे उन सबको हम उनका जो उनको जो फैसिलिटी चाहिए वो देने की कोशिश करेंगे एक तरफ पदाधिकारी है एक तरफ प्रशासन है ऐसे में उनका कोऑर्डिनेशन उनका मिलाप कैसे हो सकता है कामकाज को लेकर किस प्रकार की सामंजस्य की स्थिति बन सकती है हम लोग 2007 से सत्ता में और हमने हमेशा प्रशासन के साथ साथ संघर्ष करके ही महानगर पालिका चलाई है इसलिए हमारे लिए नई बात नहीं है प्रशासन का संघर्ष हम संघर्ष करके प्रशासन के साथ में जहां पर प्रशासन हमारे साथ देगा उनके साथ में हम आ, उन, उनको साथ में लेकर काम करेंगे और तो जहां पर प्रशासन साथ नहीं देगा उस वक्त संघर्ष की भूमिका लेंगे तो आप थे अविनाश ठाकरे जिन्होंने बखूबी और बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि चाहे फिर प्रशासन हो या पदाधिकारी हो ये दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं लेकिन जब कई अड़िंग की बात आती है तो उसके लिए संघर्ष करना भी जरूरी है क्योंकि शहर का विकास होना भी बाकी है और जिस तरह से पार्षदों के कामकाज नहीं हो रहे कई फाइलें लटकी हुई है जल्द से जल्द उनको एक हरी झंडी मिले और उनके कामकाज सुचारू ढंग से हुए क्योंकि शहर की जनता विकास की राह जो देख रही है सत्ता पक्ष नेता कार्यालय से कैमरा पर्सन मनु खान के साथ संजय मीर बी न्यूज़ नागपुर